ओम शांति। 14/10/2020 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग अथवा कलयुग में यह मेहनत होती नहीं। प्रश्न, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है क्यों? उत्तर, क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से नहीं जन्म लिया, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सदगति को पाते हैं। जब सब पापात्माएं खत्म हो जाती हैं, तब गुलगुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है, उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम बाला है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते हैं, पुकारते भी हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो सिद्ध होता है कि यह पतित दुनिया है। नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे टूटा फूटा हो, बरसात में गिर पड़ता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया है नई दुनिया बनाने, अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ऐसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाएंगे, उनको यह पता ही नहीं है, ना खेल का पता है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले हैं। बाप बिगर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा ना सके। आत्माभिमानी बनने में ही बाप बच्चों को मेहनत होती है, क्योंकि आधा कल्प में तुम कभी आत्माभिमानी बने नहीं हो। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा शिव को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे ही तुम पतित से पावन बनते हो। इसमें कोई स्थूल बात नहीं है, कोई नाक कान आदि बंद करना है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। तुम आधा कल्प से हिरे हुए हो, देह अभिमान में रहने के पहले अपने को आत्मा समझेंगे, तब बाप को याद कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आते हैं। बच्चे जानते हैं सत्युग में एक ही लौकिक बाप है, वहाँ पारलौकिक बाप को याद नहीं करते हैं, क्योंकि सुख है। भक्ति मार्ग में फिर दो बाप बन जाते हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सत्युग में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो है ही ज्ञान की प्रलब्ध। ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है, इस समय के ज्ञान की प्रलब्ध मिलती है। बाप तो हर एक ही बार आते हैं। आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है, फिर लौकिक बाप से अल्पकाल का वर्षा मिलता है। यह मनुष्य नहीं समझा सकते, यह है नई बात। 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाप आते हैं, जबकि कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होता है, तभी बाप आते हैं नई दुनिया फिर से स्थापन करने। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में राम राज्य था। बाकी देवताओं आदि के जो इतने चित्र बनाए हैं, वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप कहते हैं इन सब को भूल जाओ, अभी अपने घर को याद करो और नई दुनिया को याद करो। ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो, कोई दुख नहीं रहता। सत्युग में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। बाप तुमको ऐसा साहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई चीज मांगने की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो दुआ मांगते हैं ना, पोप आदि आते हैं तो कितने दुआ लेने आते हैं, पोप कितनों की शादियां कराते हैं, बाबा तो यह काम नहीं करते। भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया सो अब हो रहा है, सो फिर रिपीट होगा। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है, अभी तुम हो संगम युग पर, बाकी सब हैं कलयुगी मनुष्य। जब तक यहाँ ना आए तब तक कुछ भी समझ ना सके कि अभी संगम है व कलयुग। एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर हैं, बाप कहेंगे हम कलयुग में हैं, तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है, खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है। तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़े ही खाते हैं, इन देवताओं को कहा ही जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए हैं, अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझे कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं।
आत्मा सो परमात्मा है, ऐसे ऐसे कह देते हैं। बाप कहते हैं ज्ञान सागर मैं ही हूँ, जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वह सब आकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। अभी सैंपलिंग लग रही है, तुम समझ जाएंगे यह इतना ऊंच पद पाने लायक नहीं है। घर में जाकर शादियां आदि करते छिछी होते रहते हैं, तो समझाया जाता है ऊंच पद पा नहीं सकते, यह राजाई स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो प्रजा जरूर बनानी पड़े, नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। यह गीता के अक्षर है ना, इनको कहा ही जाता है गीता का युग। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजाई स्थापन हो रही है, ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं, जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वह सूर्यवंशी बनेंगे, और धर्म वाले जो आते हैं वह आते ही हैं अपने धर्म की स्थापना करने, पीछे उस धर्म की आत्माएं आती रहती हैं, धर्म की वृद्धि होती जाती है। समझो कोई क्रिश्चियन है तो उन्हों का बीज रूप क्राइस्ट ठहरा, तुम्हारा बीज रूप कौन है? बाप, क्योंकि बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, रचता नहीं कहेंगे। इन द्वारा बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं, ब्रह्मा को तो क्रिएट करते हैं ना, बाप आकर प्रवेश कर यह रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, ब्रह्मा भी कहते हैं तुम मेरे सहकारी बच्चे हो। अभी तुम काले छीछी बन गए हो, अब फिर ब्राह्मण बने हो। इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को और शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए। बाप आते ही हैं संगम पर। यह है बहुत छोटा युग, इसलिए इसको लीप युग कहा जाता है, इनको कोई जानते नहीं। बाप को भी मेहनत लगती है, ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती है। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है, जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुलगुल बन रहे हो, आत्मा ही बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है, आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुलगुल फूल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। यहाँ तो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे, नंबरवार तो है ना। जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसा जन्म लेते हैं, जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है। छांट छूट होकर तमो प्रधान जो भी है वह खत्म हो जाते, फिर नए देवताओं का आना शुरू होता है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते तब कृष्ण का जन्म होता है, तब तक बदली सदली होती रहती है। जब कोई छीछी नहीं रहेगा तब कृष्ण आएगा, तब तक तुम आते जाते रहेंगे। कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना, फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे। बाकी चले जाएंगे तभी उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे, भल तुम्हारा छीछी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है ना, शुद्ध जन्म तो हो ना सके। गुलगुल पवित्र जन्म कृष्ण का ही पहले पहले होता है, उसके बाद नई दुनिया बैकुंठ कहा जाता है। कृष्ण बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएंगे, रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत बाला है, कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं है। कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता है वो योग बल से जन्म नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया, नहीं, अगर ऐसा होता तो उन्हों का भी नाम बाला होता। तो सिद्ध होता है उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है जितना कृष्ण ने किया है। यह सब बातें आगे चल तुम समझते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सदगति में आते हैं। पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती हैं, तब उन्हों का जन्म होता है, फिर कहेंगे पावन दुनिया, इसलिए कृष्ण का नाम बाला है, माँ बाप का इतना नहीं है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, टाइम तो पड़ा है, तुम किसको भी समझा सकते हो। हम यह बनने के लिए पढ़ रहे हैं, विश्व में इनका राज्य अविस्थापन हो रहा है, हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। अभी तुमको देवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, देवता बनने वाले हो। देवी संप्रदाय बन जाएंगे फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। अभी तुम संगम योगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो, यह सारी मेहनत की बात है। याद से विकर्माजीत बनना है
तुम खुद कहते हो याद खड़ी खड़ी भूल जाती है। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है, हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, इसलिए बाबा कहते तुम याद में बैठ पिकनिक करो। कर्म करते माशूक को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, इसमें ही मेहनत है। याद से आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते तो सारा ज्ञान बह जाता है, पवित्रता ही मुख्य है। बाप तो अच्छी अच्छी बात ही समझाते हैं, यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई भी नहीं है। और जो भी सत्संग है आदि हैं वह सब हैं भक्ति मार्ग के। बाबा ने समझाया है भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही करनी है। तुम्हारे में तो कितनी ताकत रहती है, घर बैठे तुमको सुख मिल जाता है, सर्वशक्तिमान बाप से तुम इतनी ताकत लेते हो। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगलों में रहते थे, अभी तो कितने बड़े बड़े फ्लैट बनाकर रहते हैं, अभी वह ताकत नहीं है। जैसे तुम्हारे में भी पहले सुख की ताकत रहती है फिर गुम हो जाती है, उन्होंने भी पहले शांति की ताकत थी, अब वह ताकत नहीं रही। आगे तो सच कहते थे कि रचता और रचना को हम नहीं जानते, अभी तो अपने को भगवान शिवो अहम कह बैठते हैं। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, इसलिए साधुओं आदि का भी उद्धार करने में आता हूं। यह दुनिया ही बदलनी है, सब आत्माएं वापस चली जाएंगी, एक भी नहीं जिसको यह पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है जो फिर से रिपीट करेंगे। आत्मा इतनी छोटी है, इसमें अविनाशी पाठ भरा है जो कभी विनाश नहीं होता। इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए, वह तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। मेहनत सिवाय पद थोड़े ही मिलेगा, इसलिए गाया जाता है चढ़े तो चाखे, कहां ऊंचते ऊंच राजाओं का राजा डबल सिरताज कहां प्रजा। पढ़ाने वाला तो एक ही है, इसमें समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बार बार बाप समझाते हैं याद की यात्रा है मुख्य, मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूं, तो टीचर गुरु भी होगा। बाप तो है ही टीचरों का टीचर, बापों का बाप, यह तो तुम बच्चे जानते हो। हमारा बाबा बहुत प्यारा है, ऐसे बाप को तो बहुत याद करना है, पढ़ना भी पूरा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे, बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे, आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है, कर्म करते भी एक माशूक याद रहे तब विकर्माजीत बनेंगे। दूसरा, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है, अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। वरदान, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव, सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्तात्माओं को निहाल कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का घुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन, निर्मल स्वभाव निर्मानता की निशानी है, निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। ओम शांति। तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे, दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे, दिया है दान जीवन
You.